हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी बट बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, रागी केक या फिंगर मिलेट केक। रागी हम सभी जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है और उसका केक बन जाए तो क्या कहने। बट ये इतना अच्छा बनता है कि कोई गेस ही नहीं कर सकेगा कि ये रागी से बना है ना कि मैदा, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं गेस कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्ट ऑफ लाइफ। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो रागी केक बनाने के लिए पहले मैंने एक बोल लिया, उसमें डाला 3/4 कप जैगरी पाउडर। हम शुगर नहीं यूज़ करेंगे, जैगरी यूज़ कर रहे हैं इसमें। 1 टेबल स्पून डाला कॉफ़ी पाउडर और इसमें 3/4 कप हॉट वाटर, बिल्कुल गर्म पानी डाल के हम अच्छे से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 6 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल डालने के बाद 1/3 कप कर्ड मैंने डाला, बिल्कुल फ्रेश कर्ड होना चाहिए, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने वेट मिक्सचर को रख देंगे साइड में और तैयारी कर लेते हैं ड्राई मिक्सचर की। ड्राई मिक्सचर के लिए मैंने एक बोल लिया, उसमें छन्नी लगाई, उसमें डाला 3/4 कप रागी आटा, और 3/4 कप के लगभग ही हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का नॉर्मल आटा, व्हीट फ्लोर आटा। तो इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिया है, इससे हमारा केक का जो टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया कोको पाउडर 6 टेबल स्पून के लगभग। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला बेकिंग सोडा, 2.5 टीस्पून डाला बेकिंग पाउडर, और अच्छे से इसे छान लेते हैं। ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है। सामने वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो अपने वैलेंटाइंस के लिए इस केक से अच्छी रेसिपी और क्या हो सकती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उन्हें सरप्राइज़ कीजिएगा। छानने के बाद अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेते हैं, और फाइनली इसमें मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल चुटकी भर नमक, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल चुटकी भर नमक इसमें हम डालेंगे, और जो वेट मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था वो ऐड करेंगे इसमें, और धीरे धीरे कट एंड फोल्ड मेथड के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय अगर आपको लगे कि बैटर बहुत थिक है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और केक की कंसिस्टेंसी का जो बैटर होता है उस कंसिस्टेंसी पर उसे ले आएँ। और एक लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें डालेंगे है 1 टीस्पून वेनेगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इससे हमारे रागी का केक बहुत अच्छा बनेगा। मैंने केक टिन में ऑलरेडी ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा है, तो इस बैटर को उसमें अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे अच्छे से थोड़ा सा फैला लेते हैं इस तरीके से, और 2 से 3 बार इसे टैप कर लेते हैं ताकि जो एयर बबल्स हैं वो इसमें ना रहें। और फाइनली अब इसमें मैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मैं इसमें वॉलनट्स यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सजाने के लिए मैंने इसमें वॉलनट्स यूज़ किया है, पर आप इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इससे लेकिन केक का लुक एंड टेक्स्चर थोड़ा और इन्हांस हो जाता है। और इसे बेक करेंगे 180°C फॉर 20-25 मिनट्स, पर बीच बीच में इसे ज़रूर चेक करेंगे। ये देखिए केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया था, मैंने उसे निकाल लिया था ओवन से, और जब ठंडा हो गया तो मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी बनाया ये केक, मैं आपको क्या बताऊँ। इसका टेक्सचर देख के आप समझ जाएंगे कि केक बहुत अच्छा बना है, और ये बिल्कुल भी खाने से किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि ये रागी का केक है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल मार्केट वाला केक का टेस्ट आता है इसका। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।